गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको सुचारी हूँ। वेलकम टू बालभारती स्कूल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर फॉर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखिए बेटा, इसमें हम वीडियो 1 और वीडियो 2 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ। देखिए अमीबा क्या होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, याद रखिएगा। सिंगल सेलुलर, इसका कोई अपना शेप ही होता है, इरेगुलर शेप होता है। देखिए ये क्या है, आपको फूड पार्टिकल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यानी कि अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। देखिए ये क्या है हमारा, फूड पार्टिकल्स अमीबा। देखिए जिस तरीके से कैट होती है, कैट धीरे से जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, देखिए ये जो इसकी सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं फॉल्स फीट। देखिए जिस तरीके से हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स बॉडी पार्ट्स हैं और उनका डिफरेंट अपना एक वर्क है ना, इंडिविजुअली उनका इक्वली बराबर हिस्से में वर्क करते हैं वो लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसकी एक ही सेल होती है, वही सारा काम करती है, वही खाना खाती है, वही खाने को बाहर निकालती है और वही खाने को पकड़ती है। देखिए अमीबा आया, अमीबा ने पहले अपना क्या देखा, फूड को देखा। देन आफ्टर ये जो फूड पार्टिकल, अमीबा ने धीरे से उसको देखा और उसको पकड़ने की कोशिश की, यानी कि उस पर पहले तो वो धीरे से उसके पास गया, फिर एकदम से झटका उसको। देन आफ्टर जो आपकी थर्ड प्रोसेस में क्या किया, अमीबा ने उसको फूड पार्टिकल को पकड़ लिया। फॉर एग्जाम्पल कैट होती है, कैट क्या करती है, चूहे को उसने देखा, धीरे से गई, जैसे ही चूहा उसके हाथ में आ गया तुरंत खा गई, यानी कि उसने यहाँ पे पकड़ लिया। और उसको फोर्थ वाली जो स्टेप है अमीबा की हमारी, फूड पार्टिकल, देखिए कहाँ आ गया, बीच में, यानी कि वो फूड पार्टिकल क्या कर लिया, उसने खा लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, इनहेल कर लिया, उसको खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया। ये थी आपके अमीबा के अंदर जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की, वो प्रोसेस थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि कैट किस तरीके से जाती है, धीरे से जाती है, इसी तरीके से ये अपना जो अमीबा होता है ये अपने फूड पार्टिकल को पहले देखेगा और उसको धीरे से उसके पास जाएगा, फिर एकदम से उस पर झपट्टा मारता है। जैसे खाने पे कहीं जाते हैं है ना, शादी में तो खाने पे जैसे खाना मिलता है टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से ये भी खाने को देखता है और उस पर टूट पड़ता है अपने खाने को और देन आफ्टर उसको खा जाता है। तो ये थी हमारी अमीबा की प्रोसेस। अब हम देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ रीडिंग करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ बुक्स, हम बुक्स के द्वारा पढ़ेंगे जो भी है। सो स्टूडेंट्स देखिए हाइड्रा में कहाँ पर थे, हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इट हैज़ अ नंबर ऑफ टेंटकल्स अराउंड इट माउथ। माउथ के चारों तरफ क्या होते हैं, टेंटकल्स होते हैं, विच आर यूज फॉर इंजेशन ऑफ फूड। क्या करते हैं, फूड को इंजेशन करते हैं, अंदर की साइड ले लेते हैं। द टेंटकल्स एंटिंगल स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स एंड किल दैम विद देयर स्टिंगिंग सेल्स, दे देन पुश दैम इन टू द माउथ। और उसको क्या करते हैं, माउथ के अंदर पुश करते हैं, माउथ के अंदर क्या, देखिए इनसाइड द बॉडी कैविटी द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द सराउंडिंग सेल्स हेल्प द डाइजेस्ट ऑफ द फूड। देखिए दिस इज अनअब्सॉर्ब्ड थ्रू द कैविटी वॉल्स एंड असिमिलेटेड इन द सेल्स। अब देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन ह्यूमन्स। देखिए डाइजेशन इन ह्यूमन इन एक्स्ट्रा सेलुलर टेक्स प्लेस
आउटसाइड द सेल इन अन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ फ्रॉम द माउथ इट पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स। यानी कि देखिए ये जो गई हुई है आपकी बर्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है यहाँ से। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इजो स्फीयर बोलते हैं, जो जो हमारी लॉन्ग गई हुई है देखिए, जिसके थ्रू क्या करता है ये बॉडी पार्टिकल्स जो हैं ऑर्गन्स हैं उनमें वन स्टेप बाय स्टेप आपका फूड चलता है, प्रोसेस चलती है नंबर ऑफ ऑर्गन्स की इन दी बॉडी। बॉडी के अंदर ऑल दिस ऑर्गन्स टुगेदर फ्रॉम अ फूड कैनल इज कॉल्ड अल्टीमेटरी कैनल। और जो जितना भी हमारा फूड है वो किस में कैनल्स के थ्रू जाता है, ठीक है ऑर्गन्स के थ्रू जाता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनल बोल रहे हैं। अब देखिए या उसको आप डाइजेस्टिव ट्रक भी बोल सकते हो। अब देखिए द एलिमेंट्री कैनल इज लॉन्ग एंड कॉइल ट्यूब, ठीक है क्या होती है ये एलिमेंट्री कैनल, बहुत लॉन्ग होती है। अब देखिए इसका इट्स मेन पार्ट्स आर माउथ, माउथ से स्टार्ट होती है फूड पाइप और इजो स्पेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग दी रेक्टम एनस। और कहाँ पर एंडिंग होती है, एनस तक। अब देखिए लेट अस फर्स्ट स्टडी द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एज नाउन द चेंजेस टेक प्लेस इन द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ फूड व्हेन इट्स पासेस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक। फूड किसके थ्रू होता है, जो पार्ट हैं आपके बॉडी के उनके थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक में पहुँचता है। अब देखिए डाइजेशन इन द माउथ, माउथ में डाइजेशन किस तरीके से, फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। उसको क्या बोल रहे हैं आप, आपने फूड लिया तो उसको इंजेशन, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, इसको आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है द वाटर इन योर माउथ इन डाइजेस्टिव जूसेस इज कॉल्ड सलाइवा, जो आपके माउथ से निकलता है जिसको आप सलाइवा बोलते हो, इसको थूक भी बोल सकते हैं, लार टाइप का। इट इज सिक्रेटेड बाय द थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन योर माउथ, ये किससे सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। देखिए चूइंग ब्रेक्स डाउन द फूड इन टू द स्मॉल पीस एंड मिक्स इन इट विथ सलाइवा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। इसको इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हैं, मेस्टिकेशन। देखिए टीथ आर लोकेटेड इन आवर जॉस लोअर एंड अपर, देखिए इन द माउथ कैविटी दे आर फिक्स्ड टू जर्म्स, टीथ हेल्प पीपल टू स्पीक क्लियरली एंड गिव शेप टू द फेस। क्या करते हैं टीथ, आपके फेस को एक पर्टिकुलर शेप देते हैं। देयर मेन फंक्शन इन च्यूइंग ऑफ फूड, इनका क्या मेन फंक्शन है, ये खाने को च्यूइंग करते हैं यानी कि चबाने का काम करते हैं। ह्यूमंस हैव टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, प्राइमरली टीथ एंड परमानेंट टीथ, ठीक है। देखिए अब प्राइमरी टीथ में हम देखेंगे, प्राइमरी टीथ क्या होता है, आर ऑल्सो इज कोल्ड मिल्क और बेबी टीथ। प्राइमरी टीथ को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं या बेबी टीथ भी कह सकते हैं। दिस आर 20 इन नंबर, कितने में होते हैं, 20 नंबर में होते हैं ये। दिस आर टीथ फॉल्स ऑफ एट एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स एंड अ न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रो विच आर कोल्ड परमानेंट टीथ, ठीक है। जो न्यू सेट होता है फिर 6 or 8 के ईयर्स के, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। अब देखिए परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू लाइफ और फॉल्स ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। मैम हैज 32 टीथ इन एडल्ट विच बीट टीयर एंड रिड्यूस द फूड इन टू द स्मॉलर पार्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि उसके फंक्शन पे हम उसके फंक्शन यानी कि कार्य के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर इनको 4 types में डिवाइड किया गया है टीथ को। कौन कौन से हैं देखिए, देयर आर 4 इंसाइसर्स, सेकंड वन है कैनाइंस और 4 है प्रीमोलर्स एंड 6 molars इन ईच जॉ। इनके बारे में बेटा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके दे रहे हैं डायग्राम, आप वीडियो को जूम करके पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा। क्या करते हैं देखिए एक बार मैं समझा देती हूँ। योर फ्रंट
फ्रंट टीथ आर इज एस इंसाइसर सीज, जो आपके फ्रंट टीथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसाइसर सीज। दिस आर चीज एंड सेफ एंड यूज फॉर बीटिंग एंड कटिंग, क्या करने के लिए होते हैं, बीटिंग खाने के लिए, बीटिंग करने के लिए, कतरने के लिए जिसको आप बोलते हैं, और कटिंग करने के लिए। अब देखिए, नेक्स्ट टू दी इंसाइसर्स आर कैनाइन, अब जो इंसाइसर के बाद जो दांत आते हैं, हमारे टीथ आते हैं, उनको बोलते हैं कैनाइन। दिस आर पॉइंटेड, आर यूज फॉर पीसिंग एंड टीयरिंग पीसेस ऑफ फूड सच एज मीट, जिसको क्या है पॉइंटेड, यानी कि मीट को कतरने के लिए, किसी भी चीज़ पर पॉइंट करने के लिए, उनको हम बोलते हैं कैनाइनी। ये हमारे सबसे पैने दांत होते हैं जिनको हम कैनाइनी दांत बोलते हैं। अब मोलर्स और प्री मोलर्स को आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर डायग्राम दिया है। अब देखिए, डेंटल केयर, डेंटल केयर किस तरीके से करते हैं आप। आवर माउथ कंटेन्स बैक्टीरिया विच आर वेरी हार्मफुल टू अस, हमारे माउथ में क्या है, बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। हाउ एवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर मील्स, देन मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया बिगन टू लिव एंड ग्रो ऑन द फूड पार्टिकल्स एंड फॉर्म स्टिकी फिल्म ऑन द टीथ होल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लग। अब देखिए, अगर हम खाना खाते हैं और हमने अपने दांतों को साफ नहीं किया है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बैक्टीरिया लीक करने लगते हैं और ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। और जो फूड पार्टिकल्स होता है उसके फॉर्म में वो स्टिकी यानी कि जमे रहते हैं फिल्म में ऑन दी टीथ के ऊपर, और इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हैं, प्लग। और उनको क्या कहते हैं, प्लग कहते हैं जब वो स्टिकी फिल्म में आ जाते हैं। तो देखिए, दिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एसिड दैट स्लोली डैमेज द टीथ लीडली टू कैविटीज एंड प्लग इज नॉट रिमूव, इट इज एक्यूमुलेटेड ऑन द जम्स एंड टीथ हार्डन्स इंटू अ लाइम लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड टार्टर। अगर आप उनको नहीं हटाते हो, किसको, प्लग को, ठीक है, तो वहाँ पर कैविटी की प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। और लाइम लाइन सब्सटेंस भी जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे टार्टर। दिस लीड टू अ डिसीज इज कॉल्ड पायरिया, और ये किसको लीड करता है, ये पायरिया डिसीज को लीड करता है, यानी कि पायरिया नामक बीमारी आपको हो सकती है। पीपल सफरिंग फ्रॉम पायरिया हैव साइनी एंड ब्राइट रेड सोल जर्म्स विच टेंड द ब्लीड इजीली, जब आपके मुंह पे क्या है, दांतों पे रेड रेड कलर के धब्बे पड़ जाते हैं और स्लोली उसमें से धीरे से ब्लड भी इजीली आने लगता है, तो उसको, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, पायरिया, उसके लक्षण पायरिया टाइप के होती हैं। अब इनको आप पढ़ लीजिएगा बेटा एक बार। अब हम पढ़ते हैं टंग, टंग क्या होती है, इसके टंग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द बॉटम ऑन द माउथ, क्या होती है ये, माउथ के बॉटम में पाई जाती है। इट इज़ द थ्री एट द फ्रंट दैट अनेबल्स इट टू मूव फ्रीली, द सरफेस ऑफ द टंग इज नॉट स्मूथ, और जो टंग का जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता है यहाँ पे। इट इज़ द क्वाइट रफ, यानी कि रफ टाइप का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द थाउजेंड ऑफ टिनी बम्स, यहाँ पे थाउजेंड टिनी बम्स भी पाए जाते हैं, इस कोल्ड टेस्ट बर्ड्स, और उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, टेस्ट बर्ड्स बोल सकते हैं, जो कि अलग अलग टेस्ट बताते हैं। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स, सॉल्टी, सबसे पहले ये फोर पार्ट्स में टंग को आपने डिवाइड किया है, पहला है सॉल्टी और स्वीट, श्योर एंड बिटर, ठीक है। दिस टेस्ट कैन बी आइडेंटिफाई डिफरेंट एरियाज ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग, अब देखिए इनके फंक्शन क्या होते हैं टंग के, परफॉर्म्स इट हेल्प टू, ये आप पढ़ लीजिएगा, इट हेल्प अस टू टॉक, बोलने में, सर्विंग फूड, हेल्प टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट, है ना, अलग अलग उसको डिटेक्ट करता है टेस्ट को। अब देखिए, द ईसोफेगस, ईसोफेगस फूड पाइप्स, अब ईसोफेगस फूड के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ से माउथ होता है वहाँ से ये स्टार्ट होता है ईसोफेगस हमारा। देखिए, द टंग पुशेस द फूड फ्रॉम द माउथ टूवर्ड द फेरेनक्स फ्रॉम वेयर इट रीचेस द फूड पाइप, क्या करता है ये टंग,
हेयर नेक्स से कहाँ तक पहुँचता है, फूड पाइप तक। इस ऑल्सो कोल्ड एज इजोस्फेगस, इसको मैंने बताया था ना माउथ से जाता है, तो हम इसको इजोफेगस के नाम से जानते हैं इस पाइप को। दिस इजोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है 25, एंड लाइंस बिहाइंड द बीन्स पाइप। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट्स ऑफ द बॉल ऑफ द फूड पाइप। दिस वेव लाइक मूवमेंट इन द फूड पाइप विच पुशेस द फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड एज पेरिस्टेट। इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्टेल्सिस। देखिए एक्चुअली दिस वे लाइक मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द अल्टीमेट्री कैनल्स, कहाँ से निकलता है अल्टीमेट्री कैनल्स से, ठीक है, लेता है एंड पुश द फूड डाउनवर्ड, और क्या करता है ये उसको फूड को पुश करता है डाउनवर्ड्स में। द वर्ड्स अल्टीमेट्री कैनल इज यूज टू डिस्क्राइब द एंटायर ट्यूब विच इज कंसर्न विथ इंजेशन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता रहे हैं डायग्राम में, देखिए इसोफेगस, फिर उसके बाद आपका ट्रेचिया, फिर है लंग्स, हार्ट, इस तरीके से यहाँ से जाना स्टार्ट होता है फूड का, और किस में पहुँचता है ये स्टमक में। ये हो गई इसोफेगस का प्रोसेस। अब देखिए द स्टमक, अब देखिए द स्टमक, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है स्टमक। स्टमक इज़ अ यू शेप्ड, स्टमक किस शेप का होता है, यू शेप का होता है। थिक बॉल एंड फ्लैटेड बैक प्रेजेंट इन द अपर बेडमन, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अपर बेडमन में, ठीक है, सॉरी एब्डोमन में, एब्डोमन। इट इज़ द बीडेस्ट पार्ट ऑफ द अल्टीमेट्री कैनल्स एंड रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप्स, क्या करता है ये फूड को फूड पाइप से रिसीव करता है। इट इज़ अबाउट 12 inches लॉन्ग एंड 6 inch बीट्स एट इट्स बीडेस्ट पॉइंट। ऑन एवरेज एडल्ट स्टमक्स कैन होल्ड अबाउट 2 liters ऑफ फूड, कितने लीटर्स को ये फूड को रख सकता है, स्टोर कर सकता है, 2 liters, याद रखना। द स्टीक मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक कंट्रोल द सल्ट ऑफ द फूड टू मिक्स इट विथ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस बाई द सेल्स लाइनिंग द स्टमक। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा बेटा, इसमें कुछ इतना खास नहीं। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है, देखिए एज द फूड लीव्स योर स्टमक, आपके स्टमक में जो फूड लीव कर रहा है, लिटिल बाय लिटिल इट एंटर्स अ लॉन्ग विंडिंग ट्यूब बिलो इट कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ द हाईली कोइल्ड अबाउट 7.5 meters लॉन्ग ट्यूब, कितना लॉन्ग होता है ये, 70.5 meters लॉन्ग। अब देखिए डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड इज कैरी आउट एंड कंप्लीटेड हियर, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टिव फूड ऑल्सो टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो डाइजेशन आपका होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, डाइजेस्ट करता है, वहाँ से एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए द एब्जॉर्ब्ड फूड इज पास्ड इनटू द ब्लड सिस्टम, और वो वहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ पे पास हो जाता है, ब्लड सिस्टम में। अब देखिए थ्रू विच द न्यूट्रिएंट्स रिच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब जो न्यूट्रिएंट्स बचा होता है यानी कि न्यूट्रिएंट्स होता है वो किस में पहुँच जाता है, आपकी बॉडी के पूरे ऑल पार्ट्स में, ठीक है, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज, देखिए द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नाउन एज द ड्यूओडेनम, उसको जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ड्यूओडेनम। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे लीवर, एक्चुअली लीवर क्या होता है, लीवर के बारे में। लीवर इज द लार्जेस्ट, काम करना है, देखिए लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लीवर क्या है, हमारे बॉडी की अवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। देखिए बेटा लीवर क्या है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लीवर क्या है, हमारे
बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, सबसे बड़ी है जिसको आप बोल सकते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब वेट अप टू 3 किलो इन एडल्ट ह्यूमंस, इसका वेट कितना होता है 3 kg, ठीक है जी। इट इज़ दी रेडिश ब्राउन इन कलर, किस कलर में मिलती है जी, रेडिश और ब्राउन कलर में। इट इज़ लोकेटेड इन दी अपर पार्ट ऑफ दी एब्डोमन, ये क्या कहाँ पे हमको मिलता है, एब्डोमन के अपर पार्ट में, ओके, टू दी राइट ऑफ दी स्टमक, राइट के स्टमक के राइट साइड। इमिडिएटली ब्लो दी डायफ्राम, इट परफॉर्म्स मैनी इम्पोर्टेंट फंक्शन। द लिवर प्रोड्यूस्ड बिल्स विच इज द येलो विस ग्रीन इन कलर, इट हेल्प टू ब्रीक डाउन फैट पार्टिकल्स। अब देखिए क्या वो क्या है यहाँ पे, द लीवर सिक्रेटेड बाइल्स जूस विच इज स्टोर इन द गैल ब्लडर, गैल ब्लडर में ये स्टोर होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। द पेनिक्रियास सिक्रेटेड द पेनक्रियाटिक जूस, क्या करता है पेनिक्रियास, क्या सिक्रेट करता है, पेनिक्रियास जूस सिक्रेट करता है, चेंज स्टार्च इनटू सिंपल सुगर्स, और उसको किस में चेंज कर देता है, सिंपल सुगर्स में स्टार्च को, एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स इज कॉल्ड अमीनो एसिड, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कंपाउंड्स को अमीनो एसिड। देखिए बेटा अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एज नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ इज कॉल्ड विली एंड सिंगुलर विलस, आप इसको क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर, ये क्या होती है, जो इनर वॉल्स होती है हमारी, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ, किस तरीके से होती है, फिंगर की तरह आउट ग्रोथ, एज कॉल्ड विली, और उसको हम क्या बोलते हैं, विली। द विली इंक्रीज द सरफेस एरियाज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज क्लोज टू द सरफेस। अब देखिए क्या है यहाँ पे, द फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाय द विली, यानी कि फूड्स जो सब्सटेंस होते हैं वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, विली के द्वारा, एंड देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और ब्लड वेसल्स के द्वारा, यानी कि ब्लड वेसल्स के द्वारा जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब देखिए द एब्जॉर्ब्ड फूड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल कंपोनेंट्स, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, यानी कि जिस जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया गया है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उन कंपाउंड्स को, एसिमिलेशन। अब देखिए द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टिड एंड अनएब्जॉर्ब देन एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए अब देन इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए द लार्ज इंटेस्टाइन इन विंडर्स एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसी होती है ये, शॉर्टर होती है किसके देन, किसके अकॉर्डिंग, किसकी तुलना में, स्मॉल इंटेस्टाइन की में। इट इज़ अबाउट 1.5 meters, कितनी छोटी है, देखिए 1.5 meters की लेंथ है इसकी। नो डाइजेशन अकर्स हेयर, इट मेन फंक्शन इन टू दी एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है किससे, जो अनडाइजेस्टेबल हमारा फूड होता है, फूड मटेरियल होता है उससे। देखिए द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इन टू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज इमिसोइल फीसिस, अब जो बचा हुआ मटेरियल से रिमेन हमारा, उसको किस में पास कर देता है, रेक्टम में, ठीक है, और किसके द्वारा, फीसिस के द्वारा, फीसिस तो आप समझते होगे जिसको हम फोर्टी बोलते हैं। अब देखिए रेक्टम स्टोर दी फीसिस टेम्परेरली, द फीसिस मैटर इज रिमूव थ्रू दी एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज
कोल्ड इजेशन। जब आप टाइम टू टाइम फ्रेश होने जाते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इजेशन, यानी कि पॉटी द्वारा बेस्ट मटेरियल निकल जाता है। अब देखिए, द हिस्ट्री ऑफ स्टमक्स डिस्कवरी। अब देखिए, स्टमक की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, किसने की, उसके बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। देखिए, स्ट्रेंथ इंसिडेंट्स लीड टू द डिस्कवरी ऑफ वर्किंग ऑफ द स्टमक ड्यूरिंग 1822, यानी कि 1822 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। ऑन जून 1822, कब, जून में, अ कैनेडियन मैन नेम्ड एलेक्सिस स्टेफन मार्टिन, किस, उसका जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था यहाँ पे, एलेक्सिस स्टेफन मार्टिन, वॉज एक्सीडेंटली शॉट इन द स्टमक। ही वॉज ब्रॉट टू अन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर, कौन थे ये, आर्मी के डॉक्टर थे, सर्जन थे, विलियम ब्यूमोंट। द डॉक्टर सेव द कैनेडियन पेशेंट, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। ब्यूमोंट वॉज एबल टू ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ द स्टमक, क्या करते थे, वह ऑब्जर्व करते थे कि स्टमक में क्या काम चल रहा है उस पर। ही बिगन टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन डाइजेशन यूजिंग मेटिन्स स्टमक, क्या करते थे, मेटिन्स को उसका डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में थोड़ा देखा करते थे, ऑब्जर्व करते थे। ही ऑब्जर्व चेंज इन सिक्रेशन एंड नोट दी मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द स्टमक, और स्टमक में जो भी मूवमेंट्स होते थे उसको ये नोट किया करते थे। ओके बेटा, अब ये जो बचा हुआ है उसको आप एक बार रीडिंग कर लेना। अब देखिए, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि ग्रास का एनिमल्स में किस तरीके से डाइजेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फूड ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स हर्बेरियस कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स मटेरियल, पर्टिकुलर ग्रीन ग्रास इज रिच इन स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट स्पोल्ड सेलुलोज, जो ग्रीन कलर का कार्बोहाइड्रेट्स हमको प्राप्त होता था उसको हम सेलुलोज कहते हैं। इन ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, यानी कि ह्यूमन्स इसको सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, द ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव अ यूनिक मेथड ऑफ डाइजेशन सेलुलोज, ये क्या है, एक नई मेथड है सेलुलोज की। अब देखिए, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आपको थोड़ा सा, इसको आप रीडिंग कर लीजिएगा। एक्चुअली दे फर्स्ट सोलो दी ग्रास एंड, यानी कि घास क्या लेती है, घास को, गाय घास को मुंह में लेती है और सोलो करती है, यानी कि चबाना स्टार्ट करती है। सोलो दी ग्रास एंड इट इज स्टोर इन अ पार्ट ऑफ देयर फोर चैम्बर स्टमक इज कॉल्ड रिमेन्स, यानी कि घास को चबाती है और वो किस में स्टोर करके रख लेती है, स्टमक के चैम्बर, फोर चैम्बर होते हैं उनमें, और उन चैम्बर्स को स्टमक में जो रहते हैं उनको हम किन नाम से जानते हैं, रिमेन के नाम से। ओके, अब देखिए, पार्टिकल डाइजेशन ऑफ द फूड अकर्स एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कर्ड, उसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कर्ड। चलिए, अब यहाँ से आपका जो बचा हुआ है आप उसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। तो आज ही हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। इट इज़ द कोल्ड च्यूइंग द कर्ड, यानी कि वो क्या करती थी, बैग इनटू द माउथ इज स्मॉल क्वांटिटीज एंड द एनिमल च्यूइंग ऑफ फर्दर, दिस इज कोल्ड च्यूइंग द कर्ड, यानी कि स्टोर करके रखा उसने, फिर उसको जब उसको भूख लगी तब उसने खचवाना स्टार्ट कर दिया। हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, किसके द्वारा डाइजेशन करती थी, सेलुलोज से, ठीक है। इट इज दैट इज व्हाई दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। ओके, चलिए, आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा,
तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी क्वेरी करना हो, आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। आपके टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, आप टेस्ट और होमवर्क कुछ ही बच्चे भेज रहे हैं, सारे सेंड नहीं कर रहे हैं, सारे बच्चे होमवर्क सेंड करें और अच्छे से जो भी समझ नहीं आया आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करें, क्वेश्चन करें, आंसर भी क्लियर करें।